गाइज वीवो ने वीवो V23 5G को पाकिस्तान में टीज करना शुरू कर दिया है। कुछ जगह एड वगैरह देखने को मिले हैं। इसका मतलब कि ये स्मार्टफोन इसी मंथ में आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि भाई ये स्मार्टफोन इसी वीक के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वीवो V23 5G के बारे में ही बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मेरा नाम है रेहान। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके तो गाइज बात को स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले तो यहाँ पर 6.44 इंचेस के एक एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा विद फुल HD रेजोल्यूशन। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी, HDR 10 प्लस का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में वाइड नोच दी जाएगी और वाइड नोच के अंदर आप लोगों को डुअल सेल्फी देखने को मिलेगी, जिसमें मेन सेल्फी 50 मेगापिक्सल की होगी और सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा। और आप लोग इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरास की मदद से इजीली 1080p में 30fps पे एंड 4K में 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p 60fps का यहां पर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। खैर यहीं पर अगर मैं बैक डिजाइन के हवाले से बात करूं तो स्मार्टफोन की बैक ग्लास की है, जो दिखने में काफी ज्यादा प्यारी है और पर्सनली स्मार्टफोन का बैक डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई वीवो ने स्मार्टफोन के बैक डिजाइन को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया है। आप लोग अपनी मर्जी का डिजाइन जो है वो स्मार्टफोन की बैक पर बना सकते हैं। डिजाइन का कलर जो है वो कुछ और होगा, बाकी स्मार्टफोन का कलर जो है वो कुछ और देखने को मिलेगा, मतलब कि कलर चेंजिंग बैक देखने को मिलेगी। बहरहाल ये स्मार्टफोन डिजाइन वाइज और डिस्प्ले वाइज काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैक कैमरास की। तो इस स्मार्टफोन की बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा, जिसमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया जाएगा और साथ ही LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। और यहां पर आप लोग इस स्मार्टफोन के बैक कैमरे की मदद से भी 4K में 30fps पे एंड 1080p में 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p 60fps का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। वैसे गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कीजिएगा। खैर यहीं पर अगर मैं एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा। फन टच OS 12 देखने को मिलेगा, जो कि वीवो की तरफ से आने वाला एक लेटेस्ट UI है। और इस UI के अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा नए नए फीचर भी देखने को मिलेंगे। यहीं पर अगर मैं चिपसेट की बात करूं तो चिपसेट यहां पर MediaTek की तरफ से आता है, जो कि एक पावरफुल चिपसेट है और ऊपर से 5G चिपसेट भी है। यस गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट MediaTek Dimensity 920, जो कि 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा पावरफुल है। आप लोग इस स्मार्टफोन को हर टाइप के यूज के लिए परचेज कर सकते हैं, चाहे आप लोगों ने परफॉर्मेंस के लिए लेना है, मतलब कि गेमिंग के लिए लेना है, चाहे कैमरे के लिए लेना है या फिर डिस्प्ले के लिए लेना है, हर चीज आप लोगों को इस स्मार्टफोन में बेस्ट प्रोवाइड की गई है। GPU की बात करूं तो यहां पर मान लीजिए 68 का GPU दिया जाएगा, मतलब कि स्मार्टफोन के डिस्प्ले के कलर्स और ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। यहीं पर अगर मैं रैम वेरियंट की बात करूं तो स्मार्टफोन के दो वेरियंट हैं। पहले वेरियंट में 8GB रैम और 128GB की रोम दी जाएगी और दूसरे वेरियंट में 12GB रैम और 256GB की रोम दी जाएगी। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो बात रह ही गई, तो स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है और साथ ही फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आएगा। 4200mAh की बड़ी बैटरी है, जिसके साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी कि ये स्मार्टफोन विद इन 40 to 45 मिनट 0 to 100 फुल हो जाएगा। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो नो डाउट ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। डेफिनेटली आप लोगों को स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए, बल्कि वेट करने की जरूरत ही नहीं है। ऑलमोस्ट ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में इंटर हो ही चुका है और कुछ ही दिन में ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वीवो ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक्सपेक्टेड ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में कुछ 70 से 75 हजार की प्राइस में आ सकता है। देखते हैं कि भाई वीवो कंपनी वाले स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में कब तक लॉन्च करते हैं और कितनी प्राइस आती है। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।